शिक्षार्थियों नमस्कार। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान के इस व्याख्यान श्रृंखला में मैं डॉक्टर प्रवीण कुमार तिवारी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। विषय पत्र 507 से संबंधित जिस विषय पे आज मैं आपसे संवाद स्थापित करने आया हूँ वह है विद्यालय में समुदाय की भागीदारी के तरीके। जैसा कि शिक्षार्थियों आप जानते हैं कि भारतीय परंपरा में जो विद्यालय, विद्यापीठ, गुरुकुल पुराने समय में थे वो मूल रूप से समुदाय पे ही आधारित थे। हमारी शिक्षा व्यवस्था समुदाय या समाज आधारित थी और उसी के खर्चे पे या उसके सहयोग से, उसके योगदान से विद्यालय संचालित होते थे। कालांतर में समुदाय के साथ संस्थानों का जुड़ाव कम हुआ और राज्य धीरे धीरे हावी हुआ। वर्तमान में राज्य सत्ता विद्यालयों के संचालन में सहयोग करती है और इस कारण से धीरे धीरे समुदाय और विद्यालय के बीच की दूरी बढ़ने लगी। वर्तमान में राज्य सत्ता के भी आगे बाजार की सत्ता विद्यालय को प्रभावित करती है। लेकिन इन सारी व्यवस्थाओं के बाद भी हमारे जेहन में ये सवाल उठता है कि आखिर में विद्यालय की शिक्षा किसके लिए है। जिस समुदाय में विद्यालय स्थित है उस समुदाय से यदि विद्यालय का कोई सरोकार ही नहीं हो तो विद्यालय के होने और उस पूरे शिक्षाई व्यवस्था के होने का क्या मतलब है। यह प्रश्न हमें यह प्रेरित करता है कि पुनः विद्यालय समुदाय के साथ अपने जुड़ाव को स्थापित करे, विद्यालय पूरी तरह से एलिनिएट होके इस समाज में न जिए, समुद्र में एक टापू की तरह न रहे बल्कि उसका जुड़ाव समुदाय के सदस्यों के साथ हो, समुदाय में समुदाय यह समझे कि विद्यालय हमारे लिए निर्मित हैं और एक सामुदायिक प्रयास से हम बेहतर दिशा में समाज को ले जाएं। शिक्षार्थियों आइए इस शब्द समुदाय को समझने की कोशिश करते हैं। समुदाय शब्द लैटिन भाषा के कम और म्यूनिस शब्दों से बना है। कम का अर्थ है टुगेदर अर्थात एक साथ और म्यूनिस का अर्थ है सर्विंग अर्थात सेवा करना। इस प्रकार समुदाय का अर्थ एक साथ मिलकर सेवा करना है। व्यक्तियों का ऐसा समूह जिसमें परस्पर मिलकर रहने की भावना होती है तथा जो परस्पर सहयोग द्वारा अपने अधिकारों का उपयोग करता है समुदाय कहलाता है। प्रत्येक समुदाय के सदस्य में मनोवैज्ञानिक लगाव या जुड़ाव या हम की भावना पाई जाती है। कुछ परिभाषाओं को भी हम देख सकते हैं समुदाय को समझने के लिए। ऑकबर्न और न्यूमैन कहते हैं कि समुदाय व्यक्तियों का वह समूह है जो एक सन्निकट भौगोलिक क्षेत्र में रहता हो, जिसकी गतिविधियों एवं हितों के समान केंद्र हों तथा जो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में इकट्ठे मिलकर कार्य करते हों। बोगार्डस कहते हैं कि समुदाय एक सामाजिक समूह है जिसमें हम भावना की कुछ मात्रा हो तथा एक निश्चित क्षेत्र में जो निवास करता हो। निमकॉफ कहते हैं कि समुदाय किसी सीमित क्षेत्र के भीतर सामाजिक जीवन का पूर्ण संगठन है। इन परिभाषाओं से आगे बढ़ते हैं हम और उस मुद्दे का जिक्र करते हैं कि कैसे एक विद्यालय समाज के साथ या समुदाय के साथ जुड़ पाए। इस विषय में जब हम विचार करते हैं तो सेफर द्वारा दिए गए 7 स्तर हमारे सामने आते हैं। 1994 में सेफर ने समुदाय कैसे विद्यालयी गतिविधियों में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करे इसके लिए 7 स्तर सेफर ने बताए। पहले स्तर पे सेफर रखते हैं कि सिर्फ जो संस्थान हैं या विद्यालय हैं जिस प्रकार की वो सेवा मुहैया कराते हैं उस सेवा का उपयोग करके ही भागीदारी करना। जैसे विद्यालय में हम अपने बच्चों का नामांकन करा देते हैं या जो प्राथमिक स्वास्थ्य और देखभाल केंद्र होता है वहाँ की सुविधा प्राप्त कर लेते हैं तो हमारा संबंध उन क्षेत्रों से या विद्यालयों से इतना ही तक होता है कि हम अपने बच्चों को वहाँ पढ़ाते हैं या भेजते हैं, और ज़्यादा जुड़ाव उन संस्थानों से हमारा नहीं होता है। ये भागीदारी का प्रथम स्तर है कि हम इतने जुड़े कि हम अपने
वार्ड को, हम अपने बच्चों को वहाँ पढ़ने के लिए भेजते हैं। भागीदारी का जो दूसरा स्तर है वो इससे आगे बढ़कर है कि हम धन, सामग्रियों या श्रम के रूप में उन संस्थानों में योगदान देते हैं। जैसे किसी विद्यालय को हमने कुछ दान दिया, पैसे का दान दिया, या हमने वहाँ फर्नीचर्स दिए, हमने वहाँ कोई व्यवस्था वहाँ की बना दी, या एक दो दिन जाके हमने श्रमदान किया, वहाँ सफाई किया, वहाँ रंग रोगन किया, तो ये भागीदारी का दूसरा स्तर है। ये अपने बच्चों को संस्थानों में भेजने से आगे की बात है। तीसरा जो चरण है वो उपस्थिति के माध्यम से भागीदारी, और यह उपस्थिति कैसे, जहाँ नीति नियम निर्णय आदि लिए जा रहे हैं उस जगह पे उपस्थिति। लेकिन यह भागीदारी बहुधा हम देखते हैं कि स्कूलों में माता पिता बैठकों में जाते हैं और जो भी वहाँ निर्णय लिए जाते हैं निष्क्रिय रूप से उसे स्वीकार कर लेते हैं, वो अपनी ओर से कोई नई बात या कुछ नया विषय नहीं रखते हैं। तो ये भागीदारी का तीसरा स्तर है। भागीदारी का चौथा स्तर है कि किसी विशेष मुद्दे पे परामर्शदाता के रूप में हम भागीदारी दें। जैसे हम बैठकों में जाएं और कोई मुद्दा डिस्कस हो रहा हो, वहाँ हम यह बताएं कि नहीं, हमारा विचार ऐसा है कि इस कार्य में ये परिवर्तन किए जाएं। तो जब हम अपनी बात रखना शुरू करते हैं तो भागीदारी की मात्रा भी बढ़ती है, लेकिन यह भागीदारी एक आध मुद्दों तक ही सीमित रहती है। सेफर इसके अगले चरण की बात करते हैं कि अन्य लोगों के साथ एक सेवा प्रदाता के रूप में भागीदारी। अभी तक तो हमने जो भी काम, जो भी स्तर देखे, उसमें या तो कुछ एक चीज़ देना था, या हम जाके विद्यालयों में सिर्फ उपस्थित हो जा रहे थे, या किसी एक मुद्दे पे हम अपना कोई परामर्श देते थे। लेकिन जब विद्यालय की गतिविधियों में किसी एक गतिविधि के संचालन के लिए हम सेवा प्रदाता के रूप में कार्य करते हों, हम लगातार लंबे समय तक सहयोग का कार्य करते हों, तो ये भागीदारी का कुछ विशेष स्तर है। अगले स्तर के रूप में सेफर कह रहे हैं कि प्रतिनिधि शक्तियों के क्रियान्वयनकर्ताओं के रूप में भागीदारी। हम सिर्फ सेवा प्रदाता के रूप में ही नहीं, बल्कि उसके संचालन का एक अंग बन जाए। और संचालन के अंग बनने से क्या होगा, तो जो भी नीति नियम बनाए जाएंगे उसमें हमारी भागीदारी होगी और उसके क्रियान्वयन में हमारी भागीदारी होगी। तो ये भागीदारी का अगला चरण है। और जो भागीदारी का सर्वोच्च चरण सेफर ने जिक्र किया है वो है कि प्रत्येक चरण, चाहे वो समस्याओं की पहचान करना हो, उसकी व्यवहार्यता हो, योजना का निर्माण करना हो, कार्यान्वयन करना हो, या मूल्यांकन करना हो पूरी परिस्थिति का, इस हरेक स्तर पे जो वास्तविक निर्णय लिए जा रहे हों वहाँ भागीदारी लेना, वहाँ भागीदार बनना। हरेक निर्णय में जब हम अपनी भागीदारी या समुदाय के सदस्य अपनी भागीदारी देते हैं, हरेक कार्यान्वयन के स्तर पे भागीदारी देते हैं, तब जाकर विद्यालय और समुदाय का एक गहरा रिश्ता स्थापित हो पाता है। इसीलिए सेफर ने इसे सातवें या अंतिम चरण के रूप में या सर्वोच्च चरण के रूप में व्याख्यायित किया है। अब आइए शिक्षार्थियों, हम समझते हैं कि विद्यालय में यदि समुदाय अपनी भागीदारी दे तो उसके लाभ क्या होते हैं, फायदे क्या होते हैं। तो यदि समाज या समुदाय के कुछ विशेष लोग जो ज़्यादा अनुभवी हैं, वो निरंतर विद्यालय के साथ संपर्क स्थापित करते हैं, इससे शिक्षा का स्तर ऊपर उठता है। इससे नामांकन और उपस्थिति दर में भी वृद्धि होती है, क्योंकि वो भिन्न भिन्न जगहों पे जाकर विद्यालय की नीतियों का प्रचार करते हैं या उसका जिक्र करते हैं, बच्चों को प्रेरित करते हैं कि वो विद्यालय जाएं, उनके अभिभावकों को प्रेरित करते हैं कि वो अपने बच्चों को विद्यालय तक पहुँचाएँ, वो कभी कभी समय मिलता है तो जाके वहाँ अध्यापन का भी कार्य करते हैं, उनके साथ संवाद का भी कार्य करते हैं, साथ ही वो विद्यालय के लिए धन भी जुटाने का काम करते हैं। कोई एक जैसे गर्मी के दिनों में यदि ठंडे पानी की व्यवस्था करनी हो तो धन जुटा के सामुदायिक सहयोग से उन्होंने ठंडे पानी की व्यवस्था कर दी।
तो ये सारे स्तर पे जब हम समुदाय के लोगों को जोड़ते हैं तो इससे विद्यालय को लाभ मिलता है और इससे स्कूल कर्मचारियों का मनोबल भी बढ़ता है, विद्यालय की सुविधाओं का भी निर्माण होता है, जो टूट फूट विद्यालय में होती है वो उसका मरम्मत भी होता है और सुधार का कार्य आसानी से संभव हो पाता है। बहुत जगहों पर हम देखते हैं कि श्रम, सामग्री, भूमि और धन में भी, धन के रूप में भी समुदाय के लोग अपना योगदान देते हैं। कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में हम अक्सर देखते हैं कि ग्रामीण लोग विद्यालय में जाकर श्रमदान करते हैं, वहाँ की सफाई की व्यवस्था करते हैं, वहाँ जाकर फूल पत्तियाँ लगाते हैं या कुर्सी मेज़ आदि की व्यवस्था वहाँ करते हैं। बहुत सारे विद्यालय आज भी दान की भूमि पर निर्मित हैं, तो ये समुदाय का एक जुड़ाव है विद्यालय के साथ। और अक्सर विद्यालय जब भी ज़रूरत होती है एक बेहतर समाज में, बेहतर समुदाय में, उसे आसानी से धन मुहैया हो जाता है ताकि वहाँ की गतिविधियाँ आसानी से संचालित हो सकें। यदि समुदाय अपना जुड़ाव लगातार विद्यालयों के साथ बनाए रखता है तो एक समुदाय का दबाव रहता है कि अधिक से अधिक शिक्षक वहाँ नियुक्त हों और उनकी बेहतर व्यवस्था की जाए। शिक्षक उपस्थिति और उनकी प्रदर्शन पर भी निगरानी संभव हो पाती है। स्कूलों के प्रबंधन के लिए ग्राम शिक्षा समितियों का गठन हो पाता है। शिक्षा की समस्याओं को सुलझाने में भी सहायता मिलती है, क्योंकि जो अनुभवी लोग समुदाय में हैं जिन्होंने उस प्रकार की समस्याओं को झेला है वो बेहतर इसका सॉल्यूशन, बेहतर हल बता पाते हैं। या कोई आर्थिक परेशानी विद्यालय झेल रहा होता है तो उसकी व्यवस्था करते हैं। कोई संसाधन की परेशानी यदि विद्यालय झेल रहा होता है तो उसको पूरा करने की व्यवस्था समुदाय के लोग करते हैं। लड़कियों की शिक्षा की वकालत और उसके प्रचार करने में भी समुदाय एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि उन पेरेंट्स से जाकर बात करना ये सिर्फ विद्यालय के शिक्षकों के लिए ही पर्याप्त नहीं है। शिक्षक जाएं और कहें कि नहीं, आप अपनी बच्ची को क्यों नहीं विद्यालय भेजते हैं, वो उतना प्रभावी नहीं है जितना प्रभावी समुदाय के लोग उस व्यक्ति के पास जाएं कि आप अपनी बच्ची को विद्यालय क्यों नहीं भेज रहे हैं। तो समुदाय के दबाव से वो अभिभावक अपनी बच्चियों को विद्यालय भेजने के लिए बाध्य होता है, या अकेला विद्यालय के शिक्षक ही इस कार्य के लिए सफिशियंट नहीं है। समुदाय के सहयोग की ज़रूरत लड़कियों की शिक्षा के लिए आवश्यक है। शिक्षकों के लिए सुरक्षा और आवास प्रदान करने में भी सहयोग समुदाय की ओर से मिलता है। विद्यालयों को संचालित करने के लिए बजट की व्यवस्था हो या प्रबंधन की व्यवस्था हो, उसमें भी एक बेहतर समुदाय में सहयोग प्राप्त होता है। और शैक्षणिक समस्याओं जैसे नामांकन कम हो या ड्रॉप आउट हो, इसके कारकों की पहचान हो पाती है समुदाय के माध्यम से और उन समस्याओं को दूर भी किया जाता है और समग्र रूप में शिक्षा के वातावरण को निर्मित करने में सहयोग मिलता है। तो समुदाय भिन्न भिन्न प्रकार की भूमिकाएं अदा करता है और उसके बहुत सारे लाभ विद्यालय और विद्यालय में अध्ययन करने वाले विद्यार्थी प्राप्त करते हैं। अब आइए शिक्षार्थियों, विद्यालय में समुदाय की भागीदारी को सुनिश्चित करने के तरीकों पे हम कुछ बात करें। समुदाय द्वारा स्कूल के बच्चों के लिए सर्वेक्षण में भाग लिया जा सकता है। अक्सर हम विद्यालय में, चूँकि बच्चे ज़्यादा होते हैं और शिक्षक कम होते हैं, तो उन शिक्षकों के लिए बहुत कठिन कार्य हो जाता है कि उन बच्चों के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा कर पाएं। और किसी भी संस्थान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वहाँ अध्ययन कर रहे बच्चों के बारे में, यदि उनके IQ लेवल, उनके पसंद नापसंद, उनकी रुचियाँ, अभिवृत्ति, अभिक्षमता, इसके बारे में यदि जानकारी न हो, उनके स्ट्रेंथ, उनके वीकनेसेस, इसके बारे में यदि जानकारी ना हो, तो हम उन बच्चों को ठीक ढंग से गाइड नहीं कर पाते हैं। और इन समस्त जानकारियों को इकट्ठा करने के लिए जो विद्यालयी समय है वो कम समझ में आता है। तो जब समुदाय के लोग इस सर्वेक्षण में हिस्सा लेते हैं, वो बच्चों के बारे में हर एक जानकारी मुहैया कराते हैं, तो एक जो विद्यालय का काम है, जो शिक्षकों का काम है, थोड़ा आसान होता है और बेहतर सूचनाएं शिक्षकों तक पहुंच पाती हैं। समुदाय के की भूमिका अदा करने के कारण बाल श्रम की समस्या से हम मुक्ति पा सकते हैं, या बच्चों के नामांकन कम होने की समस्या से हम मुक्ति पा सकते हैं, क्योंकि समुदाय जागरूकता अभियान में
जिस तरह से बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगा उसका प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा। बस यदि शिक्षक सिर्फ यह कार्य करेगा तो उसका उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि शिक्षक दबाव नहीं दे सकता है, समुदाय के लोग संबंधित अभिभावकों पर दबाव भी दे सकते हैं। समुदाय स्कूल मैपिंग का भी काम कर सकता है, स्कूल कहाँ स्थित है, क्या क्या सुविधाएं उसके पास मौजूद हैं, किन किन सुविधाओं की आवश्यकता वहाँ है, स्कूल के का स्थान कहाँ है, भवन कितने वहाँ बने हैं, कितने विद्यार्थी वहाँ अध्ययन कर रहे हैं, उनके हिसाब से भवन एप्रोप्रिएट है या नहीं, कितने अधिक कमरों की आवश्यकता है, कक्षा संचालन ठीक से हो रहा है या नहीं, व्यायाम के साधनों की सुविधा है कि नहीं, खेल के साधनों की सुविधा है या नहीं, शौचालय वहाँ मौजूद है या नहीं, पेयजल की सुविधा है या नहीं, ये जो बुनियादी सुविधाएं एक विद्यालय में होनी चाहिए वो सारी सुविधाओं की उपलब्धता और उसका कुशल व्यवस्था हो पा रहा है या नहीं, यह समुदाय के लोग जब हस्तक्षेप करते हैं विद्यालय में जाकर तो इसके निर्माण में या इसकी व्यवस्था में ज़्यादा सहूलियत होती है या वो व्यवस्थाएं ठीक ढंग से हो पाती हैं। बड़े स्तर पे शिक्षा के जो अधिकारी हैं उन तक यह मैसेज पहुंच पाता है, जो राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं उन तक यह मैसेज पहुंच पाता है, ताकि यह व्यवस्थाएं उन लोगों के माध्यम से भी उन विद्यालयों में निर्मित हो पाए। तो समुदाय एक महत्वपूर्ण भूमिका इन सारी व्यवस्थाओं की स्थापना में या इन सारी व्यवस्थाओं के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शिक्षा के बुनियादी ढांचे या शिक्षण पद्धति में किस प्रकार सुधार लाया जा सकता है, इस विषय पर हम समुदाय के लोगों का परामर्श ले सकते हैं। जो अनुभवी लोग हैं उन्हें हम विद्यालय बुलाकर उनसे बातचीत कर सकते हैं कि आप किस प्रकार इस शिक्षण पद्धति में सुधार चाहते हैं, बच्चे कितना सीख पाए और किन किन विषयों को नहीं सीख पाए, जो नहीं सीख पाए उनको सिखाए जाने का क्या तरीका होगा, इस विषय पे भी हम अनुभवी समुदाय के लोगों से परामर्श ले सकते हैं। यदि विद्यालय में कोई शिक्षक अनुपस्थित है अथवा किसी विषय के शिक्षक का अभाव है तो ऐसे में भी समुदाय के जो शिक्षित या अनुभवी लोग हैं उनकी हम मदद ले सकते हैं। वो अपनी सुविधा के अनुसार विद्यालय आकर उनकी कक्षाएं ले सकते हैं जब तक वो शिक्षक नहीं आता है, या अतिरिक्त कक्षाएं ले सकते हैं, कुछ अतिरिक्त यदि वो ज्ञान जानते हों तो उसे शेयर कर सकते हैं। बच्चों की उपस्थिति की निगरानी भी समुदाय के सदस्यों के द्वारा की जा सकती है। शिक्षकों की नियमितता संबंधी मुद्दों में भी समुदाय योगदान कर सकता है। यदि टीचर इरेगुलर है या शिक्षक परमानेंट वहाँ शिक्षक की व्यवस्था नहीं है तो ये सारी समस्याएं बड़े स्तर पे समुदाय के सदस्य रख सकते हैं और इस समस्या को दूर कर सकते हैं। विद्यालय में निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों एवं अन्य सहायक सामग्रियों की व्यवस्था, पाठ्यपुस्तकों तक सभी विद्यार्थियों की समान पहुँच, मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता की निगरानी, इस तरह के कार्य भी समुदाय कर सकते हैं। एक लाइब्रेरी, छोटी लाइब्रेरी हर एक विद्यालय में स्थापित हो, ऐसा भी प्रयास किया जा सकता है। बहुत सारे जो स्वयंसेवी समूह हैं उन्होंने यह प्रयास किए हैं, उन्होंने एक अभियान के रूप में इसको चलाया है कि हर एक विद्यालय में एक लाइब्रेरी होनी चाहिए और आम जनता के सहयोग से वहाँ पाठ्य पुस्तकों और अन्य पुस्तकों की व्यवस्था लोगों ने की है। तो समुदाय इस तरह की भी भागीदारी कर सकता है कि विद्यालय में एक लाइब्रेरी बनाए, विद्यालय में शिक्षण सहायक सामग्रियों की व्यवस्था करे और निरंतर विद्यालय विजिट करे, जिससे ये पता चल सके कि मध्याह्न भोजन गुणवत्तापूर्ण है या नहीं है। यदि नहीं है तो उसकी शिकायत करे, उसको ठीक कराने का प्रयास करे। समुदाय स्कूल की अन्य बहुत सारी गतिविधियों की भी निगरानी कर सकता है कि बच्चों को समय से कक्षाएं उनकी चल रही हैं या नहीं, उन्हें विषयों का ज्ञान हो पा रहा है या नहीं, उनके सर्वांगीण विकास के भी साधनों की व्यवस्था हो रही है या नहीं, खेल व्यायाम इन सारी व्यवस्थाओं को संचालित कोई संस्थान कर रहा है या नहीं। तो भिन्न भिन्न ऐसे मुद्दे हैं जिस पे समुदाय स्कूलों की निगरानी कर सकता है। अच्छा, ये निगरानी कोई नकारात्मक निगरानी नहीं होगी,
ये निगरानी पॉजिटिव एटीट्यूड लेके ताकि उन चीज़ों को सुधारा जा सके। ये आक्षेप लगाने संबंधी निगरानी नहीं होगी, ये व्यवस्थाओं के सुधार के दृष्टि से की जाने वाली निगरानी होगी। फिर विद्यालय समिति, युवा सेवा केंद्र, सलाहकार बोर्ड, पीटीए आदि कई ऐसी जो संगठन हैं या कई ऐसे फोरम हैं, उसके माध्यम से विद्यालय की योजना संबंधी गतिविधियों या विद्यालय के लिए कैलेंडर का निर्माण करना या विद्यालय की विभिन्न समस्याओं या चिंताओं से संबंधित मुद्दों पे एक संयुक्त बैठक की जा सकती है और इन बैठकों में समुदाय के लोगों का सहयोग लिया जा सकता है। और इस रूप में हम इन सारी समस्याओं को जो विद्यालय झेलता है उसको दूर करने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं और विद्यालय को निरंतर समुदाय के लोगों के सहयोग से प्रोत्साहन भी प्राप्त हो सकता है। शिक्षार्थियों, सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं है कि समुदाय के लोग विद्यालय में आकर भिन्न भिन्न प्रकार से सहयोग करें, बल्कि ज़रूरत इसकी भी है कि विद्यालय भी समुदाय तक पहुँचे। जब तक विद्यालय समुदाय तक नहीं पहुँचेगा तो वो जो बिलोंगिंगनेस है, वो जुड़ाव की भावना है, वो डेवलप ही नहीं हो पाएगी। इसलिए समुदाय को विद्यालय से जोड़ने के लिए विद्यालय द्वारा समाज के सदस्यों के हित में काम करने की आवश्यकता है और इस हेतु विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने की ज़रूरत है। जैसे कोई समस्या समुदाय झेल रहा हो, जैसे कि सफाई की समस्या है, गंदगी की समस्या है, तो उस गंदगी को दूर करने के लिए यदि विद्यार्थियों का एक समूह शिक्षक के नेतृत्व में उस समुदाय के क्षेत्र में जाता है और सफाई अभियान चलाता है, जो अक्सर NSS के माध्यम से हम लोग देखते हैं बड़े विश्वविद्यालय स्तर में या विद्यालय स्तर में भी, तो ये काम यदि विद्यालय जाकर समुदाय के बीच करता है तो एक जुड़ाव की भावना डेवलप होती है। विद्यार्थी यदि समाज के हित के लिए कार्य करते हैं तो वह समाज से जुड़ सकते हैं और समुदाय के प्रति अपने दायित्वों को प्रारंभिक उम्र में ही समझ सकते हैं। उदाहरण के तौर पर विद्यार्थी समुदाय के सदस्यों को विशेष सरकारी व अन्य परियोजनाओं की जानकारी दे सकते हैं। सरकार की ओर से कई योजनाएं परियोजनाएं चलाई जाती हैं, लेकिन समुदाय के सदस्यों को मालूम नहीं होता है कि कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं। ऐसे में शिक्षकों के नेतृत्व में विद्यार्थी यदि समुदाय के बीच जाएं और उन्हें ये जानकारी दें कि सरकार की ओर से ये सारी योजनाएँ चल रही हैं, तो कम से कम जो अशिक्षित लोग हैं जिन्हें जानकारी नहीं है योजनाओं की, वो इससे लाभान्वित होंगे और उनके लाभान्वित होने से एक जो रिश्ता है विद्यालय और समुदाय के बीच में, ये मजबूत होगा। कंप्यूटर के उपयोग का प्रशिक्षण देने की बात हो तो विद्यार्थी या शिक्षक समुदाय के बीच जाकर उन्हें प्रशिक्षण दे सकते हैं, जिससे वो लाभान्वित हों और इस प्रकार के कार्यों से समुदाय व विद्यालय के मध्य एक गहरा संबंध विकसित होगा और इसका लाभ दोनों पक्षों को मिलेगा, समुदाय भी लाभान्वित होगा और विद्यालय भी लाभान्वित होगा। विद्यालयों में क्या हो रहा है कि जानकारी समुदाय को देने के लिए स्थानीय रेडियो प्रसारण है, FM है, केबल TV है, इसका हम उपयोग कर सकते हैं। ये सभी जनसंपर्क के माध्यम हैं जिनके द्वारा समाज के सभी वर्गों तक पहुंचा जा सकता है। इन माध्यमों के प्रयोग हेतु शिक्षकों और प्रधानाचार्यों को प्रोत्साहित किया जा सकता है और साथ ही साथ समुदाय को विद्यालय हेतु एक संसाधन के रूप में कार्य करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जा सकता है। विद्यालयों में क्या हो रहा है इसके बारे में विद्यार्थी के माता पिता को समुदाय एवं इसके विभिन्न समूहों से संवाद करने के लिए विद्यालय द्वारा प्रोत्साहित किया जा सकता है। माता पिता स्कूल के लिए शक्तिशाली वकालत कर सकते हैं चूँकि उनके बच्चे वह उस स्कूल में पढ़ते हैं और समुदाय का सदस्य होने के कारण ये समुदाय के दूसरे सदस्यों के लिए भी विश्वसनीय होंगे। तो जिन जिन मुद्दों पे समुदाय के सहयोग की ज़रूरत विद्यालय को है, उन मुद्दों पे अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों के माता पिता बेहतर भूमिका निभा सकते हैं। हमेशा समुदाय को स्कूल आने की अपेक्षा करने के स्थान पर विद्यालय के सदस्यों को ऐसे योजना पर कार्य करना चाहिए जिसमें विद्यालय से विद्यार्थी और शिक्षक कार्यस्थलों पर जाएँ, जहाँ कर्मचारी उनसे अपने अनुभवों को साझा करें। जैसे यदि विद्यार्थियों को बैंक के क्रियाकलापों को समझाना हो तो विद्यार्थियों की एक टोली बैंक सीधे जाए और वहाँ के लोगों से बातचीत करे कि कैसे बैंक में काम चलता है,
पुलिस स्टेशन के क्रियाकलाप को समझाना हो तो पुलिस स्टेशन जाएं वहां समझें, रेलवे को समझना हो तो रेलवे स्टेशन जाएं वहां के लोगों से बातचीत करें, या किसी मलिन बस्ती की समस्या को समझना हो तो उस मलिन बस्ती में जाएं, वहां काम करें, सेवा कार्य करें, सफाई का कार्य करें, उन्हें शिक्षित करें। तो इन सारे क्रियाकलापों से एक बेहतर जुड़ाव समुदाय और विद्यालय के बीच में संभव हो सकता है। स्थानीय जो हस्ती हैं, स्थानीय जो बड़े लोग हैं, उनको स्कूल में आने का न्योता देना चाहिए विद्यालयों को, और विद्यार्थियों के साथ संवाद स्थापित करने या उन्हें पढ़ाने के लिए भी आमंत्रित करना चाहिए। समुदाय के लोगों को विद्यालय के पुस्तकालय में अध्ययन करने के लिए, या ग्रेड स्तर समूहों पर शिक्षण कार्य करने के लिए, या व्यक्तिगत कक्षाओं में व्याख्यान देने के लिए भी बुलाया जा सकता है। पुस्तकालय के बहाने हम बहुत सारे लोगों को, समुदाय के लोगों को विद्यालय से जोड़ सकते हैं। पुस्तकालय में अखबार की हम व्यवस्था करें या विभिन्न कहानी की किताबों की व्यवस्था करें, उस बहाने समुदाय के लोग विद्यालय में लगातार विजिट करेंगे। उनके विजिट करने से स्कूल की जो भिन्न भिन्न प्रकार की समस्याएं हैं उनको ठीक करने की दिशा में हम आगे बढ़ पाएंगे। यदि समुदाय को यह निरंतर बताया जाए कि उनके द्वारा दी गई सहयोग राशि या शुल्क किस मद में खर्च किए जा रहे हैं और इससे शिक्षा में किस प्रकार का सुधार हुआ है, तो सदस्य यह समझते हैं कि उनके द्वारा दिए गए राशि का दुरुपयोग या अपव्यय नहीं हो रहा है, और इसके लिए विभिन्न माध्यमों से सभी सहयोगकर्ताओं को समय समय पर सूचित किए जाते रहना चाहिए। इससे भविष्य में विद्यालय को कई प्रकार से सहयोग मिलने की संभावनाएँ बढ़ती हैं, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी वो विशेष बात है जिससे हम समुदाय के लोगों को ठीक ढंग से जोड़ पाते हैं। यदि समुदाय से कोई दान राशि मिली तो समुदाय को जानने का हक है कि विद्यालय ने उस दान राशि का कहाँ प्रयोग किया और उससे विद्यालय की व्यवस्था में किस प्रकार के सुधार संभव हो पाए। यह जानकारी जैसे ही हम समुदाय के लोगों को देते हैं, एक विश्वास का भाव समुदाय और विद्यालय के बीच डेवलप होता है। सामुदायिक सेवा परियोजनाओं में माता पिता या समुदाय के नेताओं या अन्य सदस्यों जो विद्यालय हित में कार्य कर सकें और समुदाय के अन्य सदस्यों को जोड़ सकें के मार्गदर्शन में विद्यार्थियों को शामिल किया जाना चाहिए। जैसे उदाहरण स्वरूप विद्यार्थी स्वच्छता संबंधी परियोजनाओं, यातायात संचालन, स्वास्थ्य केंद्रों आदि पर जाकर काम करने की बात, इन सब में हम विद्यार्थियों को अधिक से अधिक भाग लेने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। गर्मियों की छुट्टियों या अन्य लंबी छुट्टियों के दौरान स्थानीय नागरिकों या सेवा समूहों से बात करने के उद्देश्य से समुदाय के जो विशिष्ट सदस्य हैं, मानद सदस्य हैं, उनसे हमें आग्रह करना चाहिए, विद्यालय को आग्रह करना चाहिए कि वे शिक्षकों व विद्यालय प्रशासकों को अपने यहाँ आमंत्रित करें, और ऐसे अवसरों पर वो शिक्षक या विद्यालय प्रशासक विद्यालय की सफलताओं, उपलब्धियों और प्रसंगों को उनके बीच जाकर साझा करें और उनसे भिन्न भिन्न विषयों पर सलाह भी मांगें और सहयोग भी मांगें। उच्च प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर और उच्चतर माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए एक समूह परामर्श कार्यक्रम को संचालित करना चाहिए। समुदाय के सदस्यों को कम से कम वर्ष में एक बार या दो बार स्कूल आने के लिए अवश्य आमंत्रित करना चाहिए और एक एक करके सभी विद्यार्थियों के साथ वो समय व्यतीत कर पाएँ इसके अवसर भी उन्हें देने चाहिए। इस दौरान वे विद्यार्थियों से उनके भविष्य संबंधी लक्ष्यों के बारे में बातचीत करें, उनके भविष्य संबंधी चिंताओं को सुने और फिर उन्हें ठीक ढंग की सलाह भी दें। समुदाय की मदद से किया जा सकने वाला जो गृह कार्य है उसको हमें पाठ्यचर्या में अधिक से अधिक स्थान देना चाहिए, और इस हेतु परिवारों, व्यापारिक समूहों तथा अन्य सामुदायिक समूहों से भी आग्रह करना चाहिए कि वे विद्यार्थियों का सहयोग करें। समुदाय के सदस्यगण उस दौरान विद्यार्थियों का गृह कार्य में के संपादन में सहयोग कर आत्मीय रूप से विद्यालय की गतिविधियों से जुड़ सकते हैं। समुदाय को स्कूल कार्यक्रमों में आमंत्रित करना चाहिए, जैसे वार्षिकोत्सव है, विद्यार्थियों के द्वारा आयोजित जो विभिन्न प्रतियोगिताएँ हैं, कार्यशालाएं हैं, संगीत, नाटक, चित्रकला आदि के कार्यक्रम हैं, इसमें यदि विद्यालय लगातार समुदाय के लोगों को आमंत्रित करे तो एक जुड़ाव की भावना डेवलप होगी।
विभिन्न रोजगारों, नौकरियों और उच्च अध्ययन से संबंधित कार्यस्थल की वास्तविकताओं के बारे में विद्यार्थियों को अवगत कराने के लिए स्थानीय नागरिक समूहों से अनुभवी और ओजस्वी वक्ताओं को आमंत्रित करना चाहिए। ये वक्ता विद्यार्थियों को साक्षात्कार, नौकरी के अवसरों और उच्च अध्ययन हेतु शैक्षणिक आवश्यकताओं में किसी उम्मीदवार में किन योग्यताओं को ढूंढा जाता है आदि से संबंधित कई महत्वपूर्ण बातों से अवगत करा सकते हैं। इससे विद्यार्थियों को उनके आगामी जीवन के लिए योजना बनाने में सहायता मिलेगी। यदि विद्यालय में अभिभावकों के आने पर शिक्षक उनके साथ सिर्फ शिकायतें साझा करें तो शायद वे दोबारा स्कूल में आने से बचेंगे। यही बात शिक्षकों के संदर्भ में भी लागू होती है, वे भी सकारात्मक व्यवहार की उम्मीद करते हैं। शिक्षक व अभिभावक के मध्य शिकायती बातचीत के स्थान पर समाधान की दिशा में बातचीत होनी चाहिए। व्यवहारिक समस्याओं को व्यवहारिक तरीके से हल करने की दिशा में बढ़ना चाहिए। ऐसे में समुदाय का सहयोग मिलना बहुत सारी समस्याओं के समाधान में मदद करता है। विद्यार्थियों में समूह के रीति रिवाजों, परंपराओं और संस्कृति के बारे में समझ विकसित करने के लिए समुदाय के नेताओं, जनजाति के नेताओं आदि के साथ संवाद कार्यक्रम आयोजित करना चाहिए। विभिन्न स्थानीय समस्याओं व सामाजिक संदर्भों समस्याओं के संदर्भ में समुदाय के सदस्यों से निरंतर संवाद के अवसर उपलब्ध कराने चाहिए, जिससे विद्यार्थी समस्याओं को बेहतर ढंग से समझ पाएं और उनके समाधान के विषय में भी चिंतन कर सकें। समस्याओं के समाधान के लिए विद्यार्थी व समुदाय के सदस्य सम्मिलित अभियान भी चला सकते हैं। वो एक साथ भी प्रयास कर सकते हैं कि विभिन्न समस्याएं कैसे ठीक हो सकें। किस प्रकार समुदाय के सदस्य विद्यालय की गतिविधियों में और विद्यार्थी व शिक्षक समुदाय की गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं, यह बताने के लिए विभिन्न प्रकार के दृश्य श्रव्य कार्यक्रम बनाए जा सकते हैं, जैसे कोई वीडियो ऑडियो कार्यक्रम हम बना सकते हैं, तथा इससे विद्यार्थियों के अभिभावकों एवं समुदाय के अन्य सदस्यों को दिखाया जा सकता है। वो देखने से समुदाय के सदस्य प्रेरणा पाएंगे या विद्यालय के विद्यार्थी प्रेरणा पाएंगे और एक जो जुड़ाव है, जो रिश्ता है, वो और प्रगाढ़ होगा। जहां स्कूलों को सत्तावादी संस्थान माना जाता है, वहां माता पिता और समुदाय के सदस्यों को अपने बच्चों की शिक्षा में भाग लेने का स्वागत नहीं होता है। और ऐसे विद्यालय यह मानते हैं कि समुदाय या माता पिता विद्यालय के मुद्दों में कोई जिम्मेदारी लेने में सक्षम ही नहीं है और यह कार्य सिर्फ शैक्षणिक पेशेवरों का है। इस प्रकार का शैक्षिक वातावरण माता पिता और बच्चों के लिए प्रतिकूल है। ऐसे संस्थाओं की जो विद्यार्थी होते हैं उनमें भागीदारी का जो गुण है कम होता है, उनका अकादमिक प्रदर्शन भी खराब होता है, उनमें ड्रॉपआउट की समस्या भी बहुत देखने को मिलती है। अतः आवश्यक है कि विद्यालय को अधिक से अधिक लोकतांत्रिक बनाया जाए। माता पिता और समुदाय के सदस्यों को विद्यालय की गतिविधियों व शैक्षिक प्रबंधन में सम्मिलित किया जाए, जिससे कि विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास हो सके। शिक्षार्थियों, आपसे पुनः अगले संवाद की श्रृंखला में मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।